हमारा मेकअप मेरे पास प्रॉपर कोई मिरर नहीं है जिसमें मैं मेकअप कर सकूं ना। लोशन अप्लाई करना नहीं अच्छा लगता, दिल करता है यार क्यों तो लोशन Hi guys, this is me, Kani Swatma Khan, and welcome back to another beautiful day. तो आज सीन कुछ ऐसा है कि मेहंदी वेंदी लगी हुई है, इफ़ यू गाइस नो कि मेरा जो पुराने व्लॉग्स हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि आज चल रही है ईद। ठीक है, तो ईद का मैंने करना है फर्स्ट डे का मेकअप। तो मेरा जो ड्रेस है वो सिंपल वाइट है, बट सिंपल नहीं है, मैक्सी है, प्रॉपर गोल्डन ऊपर उसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है, लेकिन वो वाइट और गोल्डन का कंट्रास्ट है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेकअप, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसी फालतू मतलब आगे पीछे मैं सो के पड़ी हुई हैं, और इसकी भी डिटेल आपको मेरे उस व्लॉग में प्रॉपरली बता चल जाएगी क्या किस तरीके से ये क्यों इतना मेसअप हुआ हुआ है, और मेरे पास प्रॉपर कोई मिरर नहीं है जिसमें मैं मेकअप कर सकूं। तो या पहले हम लेंगे लोशन ना, पहले हम लगाएंगे लोशन जिससे हम हमारी स्किन को हाँ तो फर्स्ट मैं ले आई हूँ आइस, क्योंकि मैंने मेरी स्किन को हाइड्रेट करना है, तो इसलिए दिस इज द बेस्ट वे। सो मैंने मेरी स्किन को प्रेप कर लिया है विद आइस, और जब ऐसे लग रहा है ना मुझे जैसे बर्फ है मेरा खुद का मुँह, तो बिकॉज मैं एसी में बैठी हूँ तो उसकी वजह से ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें हमारा मेकअप। तो फर्स्ट में हमने ले लिया है यहाँ पे लोशन, जो भी लोशन हो मैं अप्लाई करूँगी, जो कि फिलहाल खाली खाली पड़ा हुआ है। दिस इज द लोशन, अब हम इसको हमारी स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करते हैं। आई डोंट नो व्हाई मैं ये लोशन क्यों अप्लाई करती हूँ, बट आई गेस इससे स्किन बहुत हाइड्रेट हो जाती है और मुझे अच्छा लगता है लोशन। देख, लोशन अप्लाई करना नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं सच में दिल करता है कि यार ठीक है लोशन अप्लाई करोगे तो स्किन ज़्यादा अच्छी रहेगी। अभी मेरे चीक्स में ना ठंडे ठंडे हो रहे हैं। ओके, सो हियर वी गो, नाउ आई एम गोना अप्लाई माय प्राइमर, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एपीके का है ये फिक्स प्राइमर जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आई रियली लव द वे कि ये ना आहिस्ता आहिस्ता जब ख़त्म होता जाता है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, जब ख़त्म हो जाता है तो ये बिल्कुल ऊपर हो जाता है, मतलब ये ज़रा भी ये गुंजाइश नहीं होती इसके अंदर कि ये ज़रा सा भी पीछे रह जाएगा, नो वे ये प्रॉपर इसको लेके जाता है। मधु अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। मुझे ना प्राइमर पर्सनली बहुत पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, बस ये जिस तरीके से आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देता है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो यस, हियर वी गो, अब हमारा प्राइमर भी डन हो गया। अब हमने क्या करना है, मेरे पास मेरी जो बेस है लाइक फाउंडेशन है वो आप लोगों को वैसे ही पता है कि ये कौन सा फाउंडेशन है, तो यस मुबारक ईद मुबारक। आई गेस कि मुझे पहले कंसीलर अप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा कंसीलर है ये भी आई गेस एपीके का ही है। ज़्यादातर मेरे पास जो मतलब चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो एपीके की ही ज़्यादा है, आई गेस भी एपीके का ही, तो मतलब एपीके की ज़्यादा चीज़ें हैं। ओके सो यस, अभी फिलहाल मैं बहुत वो लग रही हूँ भूतनी। ओके, तो ये मेरा स्पंज है, इसके ऊपर मैं मेरा सेटिंग स्प्रे करूँगी, सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करूँगी टू दैट अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर। ओके, सो ये हमने कंसीलर ब्लेंड कर लिया, नाउ इट्स हम इसके ऊपर दोबारा से नहीं दोबारा से कर लेते,
दोबारा से सेटिंग स्प्रे करेंगे और फेस पे भी थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे करेंगे और अब हम ले लेंगे हमारा फाउंडेशन। ठीक है, अब हमारी बेस को लगाएंगे। ठीक हो गया, मैं जरा इसको थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, ब्रश से भी कर सकते हैं आप, नहीं तो जैसे भी करना चाहिए। मैं डार्क मेकअप करती ही नहीं हूँ, मतलब मेरी एक गंदी आदत समझ लें, क्योंकि मुझे डार्क मेकअप पसंद ही नहीं आता। लाइक लाइट लाइट बॉबीज वाला जो मेकअप होता है वो ठीक होता है, लाइक ज़्यादा, तो इस वजह से मैं मेकअप जब भी ज़्यादा भी कर लूँ तो मैं बेस उतार ही देती हूँ टेप भी करके। ओके, लेट मी अप्लाई सम फाउंडेशन ऑन माई नेक। अब ये सेट हो गया सारा। अब हमारे पास आई गेस पहले हम ब्लश लगा देते हैं। सो ये मेरी फेवरेट किट है ब्लश की, जिसमें से जो मेरा मोस्ट फेवरेट दो ही हैं ब्लश, एक ये, एक ये न्यूट और ये ठीक है पिंक लाइट भी। तो ये अब ख़त्म होने वाले हैं, बट इट्स ओके, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं कुछ भी लगाऊंगी। फर्स्ट मैंने ले लिया है न्यूट ले लिया है, इसको हम लगाएंगे हमारे बैक बन गए, मतलब की बैक। मैंने क्योंकि ईद आ रही थी तो मैंने इसके अपने सारे ब्रशेस को धोया है, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया धुले भी नहीं थे, सैनिटाइज करके धोए हैं। ओके, तो हम ज़रा काम कर लें फिर उसके बाद आगे। फाइनली उन्होंने मुझे, मतलब पापा ने बोटियाँ वगैरह काट ली हैं तो मुझे छोड़ दिए, अब मैं फिर से मेकअप स्टार्ट करने के, बहुत लेट हो गए हैं, आई कॉन्ट टेल यू इवन, बट 7 बज गए रात के, कौन सी ईद होती है 7 बजे यार। जल्दी से मेकअप करते हैं, बाकी आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर मैंने पिंकी पिंकी ब्लश लगा लिया सारा चीज पे। ओके, तो उसी को थोड़ा सा आईज पे भी लगा लिया। अब हम आई का ही मेकअप कर लेते हैं। पहले मैंने मेरे सारे ब्रशेस को धोया अच्छे से, पहले थोड़ी सी वाइट की बेस दे दूंगी, मतलब पिंक तो मैंने लगा लिया पहले से, अब वाइट की बेस। वाइट मैंने अपनी आईज पे लगा लिया है। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई गोल्डन कलर, बीच में गोल्डन भी कलर है वो हल्का सा लेके, बिल्कुल हल्का सा फॉर द गोल्डन शेड, क्योंकि मेरे ड्रेस के अंदर गोल्डन है। मुझे नीचे रखना पड़ेगा, बताओ कभी। मेहंदी कलर क्यों लग रहा है यार, इतना गंदा कलर नहीं लग रहा। एंड पे फिर ऊपर गोल्डन शिमर अप्लाई करते हैं, अजीब से लग रहा है। हो गई है मेरी आईज की तरफ से डन, ठीक हो गया। अब हम लगा लेंगे मस्कारा, बाप का नया मस्कारा हम लेके आए हैं ईद के लिए। ये लैशेस को बहुत ज़्यादा लिफ्ट देता है, बहुत ज़बरदस्त है। आई शुड वेट सी माई लैशेस, नज़र भी नहीं आ रही है बिकॉज बेस और ये सब कुछ आ गया ना, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। नया मस्कारा है सो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा हैवी है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा है, तो आपको खुद कोशिश करके थोड़ा थोड़ा लगाना होगा। ओके सर, हियर वी गो। नाउ मैं आपको एक मिनट सिर्फ दिखाती हूँ, क्योंकि मैं ये जो मस्कारा है ना ये बिल्कुल ख़त्म हुआ है, ठीक है, ये मॉब का ही है लेकिन ये ख़त्म लुक एट दिस, तो इससे बस लैशेस को फिनिशिंग देंगे। वाओ, इट्स लुकिंग सो प्रीटी आई गेस, है ना, स्मोकी आईज बन गई है, इतना गंदा कलर नहीं लग रहा। कहना क्या चाहते हो, ठीक है, बस ऊपर ऊपर से लैशेस को ना खोल देंगे थोड़ा सा, लिफ्टेड हो गया। और जब मेरे आईब्रोज है, मैं आईब्रोज कभी नहीं बनाती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो
दैट्स व्हाई बस आईब्रो पे ये खाली है बिल्कुल, इसमें कोई कलर नहीं है, मतलब ये तो मस्कारा है ही नहीं, दैट्स व्हाई आई एम गोना अप्लाई दिस। तो मेरी आईज़ का मेकअप बिल्कुल डन हो गया, अब बारी आती है सिर्फ लिप्स की और फिर उसके बाद फिनिशिंग हम करेंगे। तो लिप्स के लिए आई ऑलवेज यूज दिस, ये एक लिपस्टिक है जिसका कलर मैं ऐसे अप्लाई करती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए मैं इसको हमेशा और सिर्फ इकरा अलग गोश्त रहेगा लिप लाइनर के तौर पर अप्लाई करती हूँ। मैं नोट कर बच्चे गोश्त देखें मम्मा कैसा, बहुत अच्छा माशाल्लाह, दोबारा लिप लाइनर हो गया, अब इसके अंदर मतलब मेक में हम शिट यस ये मैट की मेरे पास पूरी किट है लिपस्टिक्स की, वो हम अप्लाई करेंगे। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म, ओके सो हियर वी गो, मेरी लिपस्टिक भी डन हो गई है, बस अब हमें लास्ट टच देना है हमारे लूज पाउडर का, लग रहा है आफ्टर 5 मिनट्स हम इसको क्लीन कर देंगे। जिंदाबाद पाया नाम मगज भी ओह नाइस ओके, सब हम इसको क्लीन कर देते हैं। मेरा मस्कारा, मैं आपको बताया कि मैंने सारे ब्रशेस धोए हैं, मस्कारा सबसे लास्ट पे लगाते हैं। हां वो मुझे नहीं रहा, आई गेस दिस इज प्रीटी गुड, बहुत प्यारा लग रहा है यार कभी मैं। ओके तो अब मैं चली ड्रेस चेंज करने, मैं ड्रेस चेंज करके आऊँगी फिर उसके बाद देखती हूँ, मैं ड्रेस चेंज करके आऊँगी फिर उसके बाद देखती हूँ, अगर बाल ब्रश करके कपड़े चेंज करके आती हूँ। बीच में आ रही हूँ, कैसे तुम जा रही हो?